राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक हो। आज हम सुबह सुबह आए हुए हैं नहर पर, क्योंकि हमें मंदिर का कुछ छोटा मोटा सामान था वो नदी में बहाना था। तो हम प्लास्टिक वगैरह तो नहीं बहाते, हाँ जो मंदिर का छोटा मोटा सामान होता है जैसे कि राख वगैरह होती है या फिर कलावी वगैरह होती है, तो ऐसे मतलब छोटे छोटे मोटे जो सामान होते हैं वो हम नदी में बहाते हैं, फेंकते नहीं हैं और ना ही हमारे में फेंका जाता। तो यहाँ पर फौजी साहब प्लास्टिक तो नहीं बहाएंगे नहर में, तो यहाँ मंदिर वेस्ट का जो भी सामान था वो बहा दिया इन्होंने और यहाँ भी ये प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं आगे के व्लॉग में। कितने दिन से सफाई नहीं की? कितने दिन से सफाई नहीं की? जब से आया तब से ही नहीं हुई है। अच्छा, तो इससे तो काफी देर करी हुई है। काफी दूर चढ़ी हुई है इसपे, तो धूल ऐसी थोड़ी चढ़ी है, चढ़ा रखी है। सारे दिन सामान कितना फैला फैला के रखते हो। मैं रखता हूँ, मैं बेचारी उबलन आ रही, इसको साफ करके के थक जाती हूँ। चाहे चाहे आज पहली बार साफ कर रही हो। सारे चीज पर छोटारी जरूरी है। जो सच है वो बताना चाहिए। कोई बात नहीं। के? क्या 3-5 कर रखी है? माँ है, माँ माली बन के घूम रही है। है? करनी थी। के करनी थी? माँ के बाल देखना सही काटे हैं मैंने। माँ को बस अपनी, मैं बता दी, माँ को ना सिर्फ अपनी चोटी की फिक्र है। कितनी संदूकड़ी की चाबी है ना, ये गुम हो जाएगी, इतने छोटे बाल गुम हो जाएगी फिर। क्या कर रहे हो ये? कैसी खराब निकली है? खराब नहीं है, ठीक है। वो थोड़ी चाकू से काट ले, मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ कट गई। अब कैसे करोगे इनको? कैसे करोगे? बस डायरेक्ट कुकर में उबाल देंगे, 3 सीटी बहुत, 2-3 सीटी बहुत। उबलने के बाद फिर है? उबलने के बाद, दानाने के बाद, दानाने के बाद की बात भी दिखाऊंगी। अरे बस राड़ दे, क्या कर रही है वो? परेशान होगी पहले भी बनाया था नहीं? आज तो संडे है, फिर आज थोड़ी सा पानी देना है। ठीक है, क्या बना रहे हो? तुम्हारी बातों की वीडियो बना रहे हो छुपके छुपके। कुछ जानवर वगैरह खाना जाए इन्हें। और फिर नहीं लगे कि टीम पे ले जाऊंगी, मेरी बेली खा ली नहीं करे से तो उनका बच्चा मत जाइए, उनका पहले ही कुछ चुंबड़ा निकला पड़ा है। इनको बाड़े में लेके जाएंगे, नहीं तेरे बेड पे लेके जाएंगे। मैं मेरे पास मतलब क्या है, मेरे को खिला लाती है इनसे, मत करो। बाय 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 बाय। आराम से देखिए, कहीं नीचे ना गिर जाए। हाथ पांव तड़वाने अपने, कर तो दिया काम। धनिया सूखा धनिया डाला है, जीरा डाला है, नमक डाला है और लाल मिर्च डाली है अभी।
काजी शाही चटनी बन रही है क्या? हाँ, हाँ, हमारे हाथों की पसंद नहीं आती। आज मैं बना के तुम्हें चटनी खिलाता हूँ, देखना फिर बताना टेस्ट कैसे आएगा। हाँ जरूर, है ना? और आपकी दादी तो खा के गई थी। इसमें डालूंगा मैं 3 मिर्ची। 3 मिर्ची? अरे वाह, देखना रात को सारी लैट्रिन में ना बैठे पाए। कोई लैट्रिन में नहीं बैठेगा, स्वाद अनुसार खाए। ज्यादा खाओगे तो उसी कोई गारंटी नहीं है। अभी डालो पुदीना और धनिया और वो दूसरा किस चीज का पत्ता होता है, मरुआ। ये हो गया दोस्तों, हमारे गांव में ऐसे बनाई जाती है चटनी। ये डाल दिया मैंने पुदीना, ये अपना देसी तरीके से है। हर घर की अलग अलग वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, बनाने का तरीका होता है हर घर का अलग अलग, है ना? हमारे घर में ऐसे बनती है। इतना पुदीना चाहिए, इतना तो पुदीना चाहिए, इतना ही धनिया चाहिए, बहुत सारा जुटी की जुटी। इमली भी तो जाती होगी। इमली, इमली की चटनी तो आती है मेरे को खाना। बनाई थी ना मैंने? बनाई थी पर मुझे टेस्ट। ओह नो, खाए खाए मना खाए तो मैं खा के खा जा रही हूं। हां देखो इनको, अभी इनके लिए ना वो बना दो दही बल्ले, अभी चटकारे मार मार के खा लेंगे। अब मुर्गी ने अपने जान तक कर क्या कर रहा है? कर से कर रहा है माना मेरा, मुर्गी ने अपने जान तक खाना वाला ना स्वाद की कभी तो सी कर बन गई है, रेडी है। अच्छा ये देख लो भाई, पीस पीस के सब चुंबड़ निकाल दिया पूरा ही। अब कटोरे में निकाल लो। मम्मी मेरी चटनी रेडी है चखने के लिए। हाँ तो ये भाई फौजी साहब ने चटनी बनाई है, यहाँ रोटियाँ गरम गरम देसी घी के साथ, चलो एंजॉय करते हैं। साथ में तोरी की सब्जी, ये रही बहुत ज़्यादा है हमारी फैमिली के लिए ये।